नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है देश के पहले स्किल और एम्प्लॉयमेंट की बात करने वाले न्यूज चैनल स्किल इंडिया मार्ट पर। मैं बलराज सिंह उपस्थित हूं आप सबके सामने अपनी आज की नई वीडियो लेकर। दोस्तों, जैसा आपसे वादा है, स्किल इंडिया मार्ट की तरफ से आपको हर जानकारी समय पर देने के लिए हम प्रतिबद्ध है। बहुत समय से हम आपके लिए बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आ रहे हैं, चाहे वो NITC ट्रेनिंग पार्टनर कैसे बने हो, चाहे वो DDU GKY में कैसे अप्लाई करे हो, संबल योजना, समर्थ योजना या फिर अंबर योजना, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की योजना, किसी डिपार्टमेंट की योजना हम आप तक पहुंचाते हैं सबसे पहले और सबसे स्ट्रिक तरह से। उसी कड़ी में आज ये इन्फॉर्मेटिव और बहुत कमाल की वीडियो मैं आपके लिए कर रहा हूं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें, शेयर करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि भविष्य में स्किल से जुड़ी हर जानकारी समय पर मिल सके। शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, स्किल इंडिया मार्ट आपको स्किल से जुड़ी हर जानकारी समय समय पर देता रहा है। उसी कड़ी में हमने हर वो वीडियो आपके लिए बनाई है जिसकी आपको जरूरत थी, चाहे वो NSDC की ट्रेनिंग पार्टनरशिप हो, DDU GKY सीरीज हो, अंबर प्रोजेक्ट हो या सीखो कमाओ का माइनॉरिटी का भी प्रपोजल हो। इसके अलावा छोटे मोटे जो भी प्रपोजल स्किल इंडिया में आए हैं, हमने आपको आप तक पहुंचाने की कोशिश की है, चाहे वो किसी स्टेट का हो, किसी SSC का हो, किसी भी डिपार्टमेंट का क्यों ना हो। स्किल प्रोजेक्ट के अलावा हमने आपको एक और यूट्यूब चैनल दिया है, नाम है NGO इंडिया मार्ट। NGO इंडिया मार्ट को हमने पर्टिकुलर खास तौर पर बनाया है उन NGO के लिए जो बहुत समय से एज NGO काम कर रहे हैं पर उन्हें कोई ग्रांट नहीं मिली है। दोस्तों, ना ही उनको ये पता है ग्रांट कहां से मिलेगी, किस डिपार्टमेंट से ग्रांट मिलने वाली है। इन NGO की हेल्प के लिए हमने NGO इंडिया मार्ट प्लेटफॉर्म का निर्माण किया है। इस NGO इंडिया मार्ट पर आपको क्या क्या मिलने वाला है ये मैं आज आपको ब्रीफ करना चाहूंगा। इस प्लेटफॉर्म पर बेसिकली हम आपको NGO की सर्विसेज, NGO की ग्रांट और NGO के टेंडर के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट जिनमें आप NGO रिलेटेड काम ले सकते हैं उनके बारे में बताएंगे। मुख्य तौर पे हमने इनको तीन पॉइंट में बांटा है। सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, NGO के टाइप्स कैसे होते हैं और आप अपने NGO के लिए बेनिफिट्स कैसे ले सकते हैं। इसके अंदर NGO दर्पण पर रजिस्ट्रेशन, बाकी जो रजिस्ट्रेशन होते हैं NGO के लिए जैसे 12A ETG, उनके बारे में बताया जाएगा और साथ में ये बताया जाएगा कि क्या आपकी कंपनी या फर्म है तो क्या वो NGO बन सकती है। ऐसी बहुत सारी क्वेरीज आपके मन में आती होंगी, उन सब का आपको निवारण मिलेगा NGO इंडिया मार्ट पे। इसके बाद है डिपार्टमेंट्स एंड स्कीम्स। दोस्तों, बहुत सारी योजनाएं NGO के लिए निकलती है अलग अलग डिपार्टमेंट से जिसके बारे में आपको पता नहीं है। हम आपको हर उस डिपार्टमेंट के बारे में, हर उस योजना के बारे में बताएंगे जो जुड़ी है NGO के साथ में। कितनी स्कीमें हैं, किन डिपार्टमेंट में आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या यहाँ पर अलग अलग स्कीमें हैं NGO के लिए और प्रोसेस क्या है इन स्कीम्स से, इन डिपार्टमेंट से जुड़ने की, ये भी आपको बताया जाएगा NGO के अमाउंट पर। तीसरा पॉइंट है टेंडर और ग्रांट के बारे में। दोस्तों, कौन सा टेंडर कब निकला है, कितनी ग्रांट मिलने वाली है ये आपको बताया जाएगा। इन ग्रांट में कितना अमाउंट आप मैक्सिमम ले सकते हैं और इसके अलावा भी बाकी बातें आपको NGO इंडिया मार्ट में NGOs के बारे में बताई जाएंगी। तो NGO इंडिया मार्ट बेसिकली आप समझ ही गए होंगे बना है सिर्फ NGOs के लिए। वो NGO कोई सोसाइटी हो, ट्रस्ट हो, सेक्शनेट कंपनी हो, उसके बारे में हम आपको सारी जानकारियां इस प्लेटफॉर्म पर देने वाले हैं। दोस्तों, स्किल इंडिया मार्ट की सर्विसेज आपको पता है, NGO इंडिया मार्ट की सर्विसेज जो आपको देने वाले हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं हमारे तीसरे इनिशिएटिव की। बहुत ही खास इनिशिएटिव है जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। इस प्लेटफॉर्म का नाम है फॉरेन इंडिया मार्ट। जी हाँ दोस्तों, फॉरेन इंडिया मार्ट, फॉरेन से आप समझ पा रहे होंगे कि बात हो रही है विदेश के बारे में। विदेश से जुड़ी हर जानकारी, ट्रेनिंग्स कैसे लेनी है, प्लेसमेंट क्या होता है और भी बाकी जानकारियां हम आपको इस प्लेटफॉर्म पर देने वाले हैं। इन जानकारियों को हमने आपके लिए बेसिकली चार भागों में बांटा है जिनके बारे में बताने वाले हैं। जैसा मैंने कहा, फॉरेन कंट्री वर्क एंड स्टडी सर्विसेज आप कह सकते हैं या उनके बारे में इंफॉर्मेशन आपको चाहिए हो सकती है या आप कह सकते हैं, उस कड़ी में हमने चार पॉइंट को डिफाइन किया है। सबसे पहला पॉइंट है पासपोर्ट। किसी भी देश में जाने के लिए आपको पासपोर्ट की जरूरत होती है। पासपोर्ट अप्लाई कैसे करें, रिन्यूअल कैसा होता है, तत्काल पासपोर्ट सेवा क्या है, इसके अलावा टाइम ड्यूरेशन क्या है, पासपोर्ट कब एक्सपायर होता है, क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए आपको पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए, ये सब बताने वाले हैं हम आपको फॉरेन इंडिया मार्ट।
वीजा सर्विसेज, जी हाँ नंबर दो पर है वीजा सर्विसेज, जिसके बारे में हम बताने वाले हैं फॉरेन इंडिया मार्ट पे। दोस्तों वीजा के टाइप्स कितने होते हैं, कितने प्रकार का वीजा होता है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं ये बताएंगे। इसमें वीजा सर्विसेज में आपके सामने स्क्रीन पर हमने तीन महत्वपूर्ण और जो पॉपुलर वीजा सर्विसेज है उनके बारे में डिस्कस किया है। पहला है स्टडी वीजा, आईएलटीएस, टोफल, पीटीई, सेट जैसे टेस्ट बनाए गए हैं स्टडी वीजा के लिए। इन टेस्ट को क्लियर करने के बाद आपको अब्रॉड जाकर शिक्षा ग्रहण करने का या स्टडी करने का मौका मिलता है। अब ये टेस्ट कैसे अप्लाई करें, क्या इन टेस्ट की फीस होती है, कौन सी वेबसाइट पर जाकर कौन सा टेस्ट आपको क्रैक करना है, ये हम बताएंगे फॉरेन इंडिया मार्ट पर। दूसरा पॉपुलर वीजा है टूरिज्म या विजिटर वीजा। इसके अंदर दोस्तों टूरिस्ट बनकर आप किसी देश में जाते हैं, इसमें टूरिज्म के अलावा और भी बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती है। इसे मेडिकल वीजा भी आप इसमें क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ समय के लिए आप वर्क भी कर सकते हैं इस टूरिस्ट वीजा के तहत। ये कैसे अप्लाई होता है, क्या क्राइटेरिया है, ये भी हम बताएंगे आपको फॉरेन इंडिया मार्ट पर। तीसरा वीजा है वर्क वीजा या एम्प्लॉयमेंट वीजा। दोस्तों इस वीजा के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि ये कैसे अप्लाई कर सकते हैं और कैसे बाहर जाकर आप काम कर सकते हैं। भारत के ज्यादातर लोग अपने बच्चों को स्टडी वीजा पर अब्रॉड भेजते हैं, सोचते हैं कि स्टडी वीजा पर जाने के बाद आप वहां पर साथ में काम करके परमानेंट वीजा पा लेंगे या फिर वर्क आप वहां पर हासिल कर सकते हैं। लेकिन वर्क वीजा एक अच्छा विकल्प है जो भारत में स्टडी करने के बाद बाहर देशों में जाकर काम करने की अनुमति देता है। इस वर्क वीजा में हम आपको बताएंगे डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस क्या है, हम बताएंगे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कितना टाइम पीरियड होता है कॉन्ट्रैक्ट का जो वर्क वीजा के बाद आपको मिलने वाला है एम्प्लॉयर के साथ, ये सब आप जानेंगे फॉरेन इंडिया मार्ट पर। एम्प्लॉयमेंट वीजा के बाद बात कर लेते हैं ओवरसीज रिक्रूटमेंट या फॉरेन प्लेसमेंट के बारे में। दोस्तों जब बात हो रही है एम्प्लॉयमेंट वीजा की तो आप ये समझ लीजिए कि आप किसी दूसरे एम्प्लॉयर के अधीन काम करने जा रहे हैं जो दूसरे देश में रहता है। जी हाँ, फॉरेन एम्प्लॉयर के यहाँ आप काम करने जाएंगे। अब इस कड़ी में आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, दोस्तों आपको बता दूं कि आरए यानी कि रिक्रूटमेंट एजेंट का काम होता है आपको आउट ऑफ कंट्री भेजना। इन ऑथराइज रिक्रूटमेंट एजेंट यानी कि आरए से संपर्क कैसे करें, आपके स्टेट में या आपके डिस्ट्रिक्ट में कोई आरए है या नहीं, अगर है तो आप उसे संपर्क कैसे कर सकते हैं, क्या उनकी फीस होती है और किस डॉक्यूमेंट्स के आधार पर वो आपको बाहर भेजते हैं। फॉरेन एम्प्लॉयर के साथ इंटरव्यू सेशन कैसे होते हैं, उनके साथ आप कैसे बात कर सकते हैं बाहर जाने के लिए, जॉब लगने के लिए, जॉब अपॉर्चुनिटीज कहाँ है दोस्तों, लोकेशंस कौन कौन से, किन देशों में आपको ज्यादा जॉब मिलने वाली है, क्या जॉब रोल रहेगा आपका और क्या सैलरी पैकेज मिलेगा आपको, कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए। एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में आता है टाइम ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जितना साल का कॉन्ट्रैक्ट आपका होने वाला है आपकी जॉब के लिए उसके बारे में बताया जाएगा। और जो लास्ट पॉइंट है वो है इंडियन एम्बेसी स्पॉट। दोस्तों इंडियन एम्बेसी से आप किस हालात में कैसे और किन चीजों में हेल्प ले सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन में, पासपोर्ट वेरिफिकेशन में और भी काफी हेल्प हमको मिलती है, वो हम बताने वाले हैं फॉरेन इंडिया मार्ट पर। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों ग्रीवेंसेस। दोस्तों क्या कंप्लेंट्स हैं आपके, क्या ग्रीवेंसेस हैं रिगार्डिंग मदद पोर्टल या ई मैगेट पोर्टल, और भी इसके अलावा बहुत सारी आपको हेल्प चाहिए होती है, वो हम आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं रिगार्डिंग फॉरेन प्लेसमेंट फॉरेन इंडिया मार्ट पे। दोस्तों ये थी एनजीओ इंडिया मार्ट और फॉरेन इंडिया मार्ट के बारे में हमारी वीडियो। जैसा आप इस वीडियो समझ पाए हैं, अगर मैं बात करूं एनजीओ के बारे में, कितने ही हजारों एनजीओ पूरे देश में है जिनको ये पता तक नहीं है कि उनके लिए कौन सी स्कीम किस डिपार्टमेंट से कब लॉन्च हुई और कब खत्म होगी। एनजीओ इंडिया मार्ट आपको ये पूरी हेल्प करेगा बताने में कि आप एज एनजीओ अपने आप कैसे डेवलप कर सकते हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स को कैसे पा सकते हैं। फॉरेन इंडिया मार्ट की बात करूं तो दोस्तों बहुत सारे व्यक्ति चाहते हैं अच्छा रोजगार पाना, यदि देश में संभव है तो बिल्कुल, लेकिन वो लोग जो डिजर्व करते हैं आउट ऑफ कंट्री जाकर रोजगार पाने की, उनके लिए क्या है विदेशों में और वही क्यों जो डिजर्व नहीं करते हैं, क्या वो डिजर्व हो सकते हैं। मेरा मतलब है बहुत बार ऐसे व्यक्ति जिनके पास कमाल का हुनर तो होता है लेकिन लैंग्वेज इश्यूज की वजह से वो नहीं जा पाते हैं या उन्हें कोई अच्छे से गाइड नहीं कर पाता है। तो निश्चित है दोस्तों फॉरेन इंडिया मार्ट आपको हर तरह की जानकारी देगा, ट्रेनिंग कैसे ले और आप कैसे अपना वीजा पासपोर्ट वगैरह करके बाहर जाकर जॉब कर सकते हैं या स्टडी कर सकते हैं। साथियों कैसे लगी आपको हमारी वीडियो, मुझे आशा है ये वीडियो भी आपको पहले की तरह पसंद आई होगी। जैसा आप जान पाए हैं स्किल इंडिया मार्ट की दो और नई यूनिट आपके लिए काम कर रही है, फॉरेन इंडिया मार्ट और एनजीओ इंडिया मार्ट। आपसे ये निवेदन है इन्हें सपोर्ट करें। दोस्तों स्किल इंडिया मार्ट को इतना सारा प्यार दिया है,
तो हम आपसे ये आशा करते हैं आप इन दोनों यूनिट को भी आगे बढ़ाने में हमारी हेल्प करेंगे। किसी प्रकार की क्वेरी के लिए, कोई भी जानकारी के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। मुझे आपके कमेंट्स का वेट रहेगा। अगली बार मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ, एक नई स्कीम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।